सावनेर तहसील क्षेत्र में दशमी पर बुधवार को सिलेवाड़ा कस्बे में जवारे शोभा यात्रा के साथ ही भंडारे का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा में ढोल नगाड़े के साथ सांग लगाकर जयकारे लगा भक्त निकले। 13 अप्रैल को सिलेवाड़ा वैकोली कॉलोनी के दुर्गा माता मंदिर एवं वहां के निवासियों के घरों में बोए गए जवारे का भव्य शोभा यात्रा के साथ विसर्जन किया गया। जवारा विसर्जन देखने कल पास के गांवों के नगरवासी और आसपास के गांव के ग्रामीण भारी संख्या में पहुंचे थे। प्रशासन ने सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की थी। दुर्गा माता मंदिर वैकोली कॉलोनी में नवरात्रि में विसर्जन के लिए बाना एवं सांग के साथ विसर्जन किया गया। बाना और सांग आकर्षण का केंद्र थे। आदिशक्ति माँ दुर्गा माता के भक्तगण बाना और सांग लेकर जसगीत के संगीत में नाचते गाते विसर्जन के लिए जा रहे थे। बाना लेने वालों की संख्या इस वर्ष 25 थी। अपने गाल में बाना लिए हुए नाचते गाते विसर्जन के लिए गए। सांगा के प्रदर्शन और जवारा विसर्जन के साथ चैत्र नवरात्र का समापन हो गया। घरों में कलश स्थापित कर व्रत करने वाले भक्तों ने मंदिरों में देवी पूजा और व्रत पारण किया। अंतिम दिन को कन्या भोज भी खूब हुए। भक्तों ने जवारा की शोभा यात्रा निकाली। कई आस्थावान गालों में लोहे की सांग नाद कर दुर्गा देवी मंदिर से सिलेवाड़ा पहुंचे और नृत्य किया। सांग लगाकर भक्त निकले और माता के मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजन किया। इस दौरान जमकर जयकारे लगे। भक्तों ने सांग लगवा ढोल और नगाड़े की थाप पर थिरके। नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा जवारों के बगैर अधूरी है। दरअसल इस पवित्र विधि में कलश के सामने मिट्टी के पात्र में जो को बोते हैं, जो को ही ज्वारे भी कहते हैं। नवरात्रि के दिनों में मंदिर, घर और पूजा के पंडालों में मिट्टी के बर्तन में ज्वारे बोए जाते हैं। नियमित रूप से इनमें जल अर्पित किया जाता है, जिससे ये धीरे धीरे अंकुरित होकर बढ़ते हैं और हरी भरी फसल की तरह लगते हैं। नवरात्रि के समापन पर इन्हें बहते हुए जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। नवरात्रि में जो बोने की इस परंपरा के पीछे तर्क यह है कि सृष्टि के आरंभ में जो ही सबसे पहली फसल थी। जो बोने की यह प्रथा हमें यह सीख देती है कि हम सदैव अपने अन्न और अनाज का सम्मान करें। इस फसल को हम देवी माँ को अर्पित करते हैं। इससे जो को उगाया जाता है। पूजा घर में जमीन पर जो को बोते समय मिट्टी में गोबर मिलाकर माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए जो बोए जाते हैं। जो बोने का एक अन्य पौराणिक मुख्य कारण और धार्मिक मान्यता है कि अन्न ब्रह्मा है, इसलिए अन्न का सम्मान करना चाहिए। इसे हवन के समय देवी देवताओं को भी अर्पित किया जाता है। जो अगर तेजी से बढ़ते हैं तो घर में सुख समृद्धि आती है। यदि यह मुरझाए और ठीक से ना बढ़े तो अशुभ माना जाता है। नवरात्रि के दौरान की जाने वाली कलश स्थापना के समय उसके नीचे रेत रखकर जल एक लोटा चढ़ाने का महत्व है। सिलेवाड़ा से NBCN न्यूज के लिए अरुण महाजन की रिपोर्ट। यहाँ कुछ भक्तों ने मिलकर मंदिर की स्थापना की। छोटी सी मूर्ति है, मूर्ति लहान की थी वहाँ। यहाँ जिसने मनोकामना मांगी है वो पूरी होती है, और जिनकी मनोकामना पूरी होती है वो अपने मन्नत के हिसाब से कुछ प्रण कर लेता है। जैसे यहाँ पे बाना लेना, त्रिशूल यहाँ पे लेना, और दौड़ना, भागना, नंगे पर जाना, दिन भर धूप में घूमना। तो यूपी के बांदा जिले से ये प्रथा चालू जी, वो प्रथा का आज यहाँ पर लाकर के सिलेवाड़ा में यहाँ पर ये पिछले 25 सालों से बच तकरीबन ये तो 75 से चालू है और कंटिन्यू चालू जब से मंदिर बना है। वहाँ से लोग तो यहाँ पे आए थे WCL में जॉब करने, नौकरी करने, मगर जो शुरुआत हुई वो अभी तक चल रही है कंटिन्यू। फिलहाल तो काफी बंद होने पे आगे के जाते हैं, लेकिन लोग मानते हैं, मान्यता है, तो काम कर रहे हैं। किस तरह का ये प्रोग्राम होता है? प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है, बहुत सालों से चल रहा है ये। मैं तो अभी 10 साल से ही ले रहा हूँ, लेकिन ये हमारे जो पुरखों है उससे ही चलता आ रहा है। करीब कितने साल हो गए? जब मैं पैदा हुआ था मेरे को अभी 22 साल हो गए पैदा हुए। उतना तो याद है, उसके पहले का तो याद है, मतलब मेरा दादा परदादा सब यही।